नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। खिचड़ी 2 के साथ पारिक परिवार लगभग 2 दशकों के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखने वाला है। इस बार एक नए फ्लेवर के साथ फिल्म की कहानी आपको गुदगुदाएगी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज होने को तैयार है। फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर जमुना दास मजीठिया एक बार फिर हिमांशु का किरदार करते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी भी इस फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने पिछली बार फिल्म देखकर इसकी तारीफ भी की थी। इस बार भी उन्हें फिल्म का ट्रेलर भेजा गया है। पीएम मोदी के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि वो जल्द ही पूरी टीम के साथ एक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा खिचड़ी के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। यह पहला ऐसा शो है जिसकी शुरुआत स्टेज से हुई थी, फिर इस पर सीरियल बना, उसके बाद फिल्म और सीरीज बनी। अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज को तैयार है। फिल्म में एक बार फिर सुप्रिया पाठक हंसा के किरदार में नजर आएंगी। वहीं राजीव मेहता, प्रफुल्ल और अंगद देसाई बाबूजी के रोल में दिखाई देंगे। वंदना पाठक जयश्री और कीर्ति कुल्हारी परमिंदर के रोल में दिखेंगी। जमुना दास मजीठिया हिमांशु के किरदार में नजर आएंगे। जमुना दास मजीठिया ने कहा, सबको लगता है कि खिचड़ी को देखने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने फिल्म में हर तरीके की कॉमेडी दिखाई है। इसके अलावा आपको कई सारे इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। आप फिल्म देखने के लिए यह सोचेंगे कि यह हंसी बहुत लाएगी, हालांकि जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो आपको रोना भी आ सकता है। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खिचड़ी का पहला पार्ट थिएटर में जाकर देखा था। उन्होंने फिल्म की काफ़ी तारीफ भी की थी। क्या इस बार पीएम मोदी उनकी फिल्म देखने आएंगे? इसके जवाब में जमुना दास मजीठिया ने कहा, पीएम मोदी के पीए से हमारी बात हुई है। जाहिर है कि दिवाली का वक्त चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमने उन्हें फिल्म का ट्रेलर भेजा है। उनकी टीम ने कहा कि पीएम मोदी जल्द इस पर रिस्पॉन्स देंगे। हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी तय है। सब कुछ सही रहा तो हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।